सो आज का फर्स्ट फोबिया है डॉक्टर का डर। डॉक्टर से बहुत लोगों को डर लगता है, इसलिए वो डॉक्टर के पास अवॉइड करते जाना। बाय द वे, डॉक्टर के डर को हम इंग्लिश में कहते हैं आयट्रोफोबिया। आयट्रोफोबिया मतलब डॉक्टर का डर। नेक्स्ट है मकड़ियों का डर या मकड़ा का डर, इसका मतलब होता है फियर ऑफ स्पाइडर, और इसे इंग्लिश में कहते हैं अरेक्नोफोबिया। अरेक्नोफोबिया मतलब मकड़ी या मकड़ा का डर। नेक्स्ट है सांपों का डर। सांपों से तो बहुत लोगों को डर लगता है। बाय द वे, सांपों का डर, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ओफिडियोफोबिया। ओफिडियोफोबिया मतलब सांपों का डर। नेक्स्ट है कीड़े मकोड़े का डर, मतलब फियर ऑफ इंसेक्ट। तो कीड़े मकोड़े के डर को हम इंग्लिश में कहते हैं एंटोमोफोबिया। एंटोमोफोबिया का मतलब है कीड़े मकोड़े का डर, और यहाँ पर एंटमो जो है वो रेफर करता है इंसेक्ट को। नेक्स्ट है जहर का डर। जहर के डर को हम इंग्लिश में कहते हैं टॉक्सिकोफोबिया। टॉक्सिकोफोबिया मतलब जहर का डर, और यहाँ पर टॉक्सिको जो है वो रेफर करता है पॉइजन को, और फोबिया वर्ड जो है वो रेफर करता है फियर को। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया कुत्ते के डर को क्या कहते हैं, शादी के डर को क्या कहते हैं, इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आई बटन में भी दे दिया, तो आप वहां से क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। और किताबों का डर, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। बाय द वे, किताबों के डर को हम इंग्लिश में कहते हैं बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया मतलब किताबों का डर, और बिब्लियो जो है वो रिफर करता है बुक को। नेक्स्ट है आदमी का डर। आदमी से डर लगता है, तो उस डर को हम इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया मतलब आदमी से डर, और यहाँ पर जो वर्ड एंड्रो है वो रिलेटेड है मैन से। और औरतों से डर, जो औरतों से लगने वाला डर होता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं गाइनोफोबिया। गाइनोफोबिया मतलब औरतों से डर, और गाइनो जो है वो रिलेटेड है औरतों से। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, जिससे उन्हें भी नॉलेज हो सके फोबिया के बारे में। नेक्स्ट है उड़ान का डर। उड़ान का डर का मतलब है फियर ऑफ फ्लाइंग, जिसको हेलीकॉप्टर वगैरह में या एयरप्लेन में सफर करने से डर लगता है। तो उड़ान का डर, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एरोफोबिया, मतलब उड़ान का डर। एंड द नेक्स्ट वन वी हैव सार्वजनिक बोलने का डर, जिसे हम फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग भी कहते हैं। इस फोबिया को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्लासोफोबिया। ग्लासोफोबिया मतलब सार्वजनिक बोलने का डर। नेक्स्ट है कीटाणुओं का डर, इसका मतलब है फियर ऑफ जर्म, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं माइसोफोबिया, और इसे एक और नाम से जाना जाता है जर्मोफोबिया, मतलब कीटाणुओं का डर। नेक्स्ट है सुई का डर। सुई का डर मतलब फियर ऑफ इंजेक्शन या फियर ऑफ नीडल। बाय द वे, इसके डर को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रिपेनोफोबिया। ट्रिपेनोफोबिया मतलब सुई का डर। नेक्स्ट है गरगराहट और बिजली का डर, जिसका मतलब है फियर ऑफ थंडर और लाइटनिंग। जब बारिश वगैरह होती है तो बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, तो उससे भी कई लोगों को डर लगता है। बाय द वे, इस डर को हम इंग्लिश में कहेंगे एस्ट्राफोबिया, या इसे बोल सकते हैं आप ब्रोंटोफोबिया। दोनों का ही मतलब होता है गरगराहट और बिजली का डर। नेक्स्ट है यात्रा का डर। कई लोगों को क्या होता है, यात्रा करने से डर लगता है, तो इस डर को हम इंग्लिश में कहते हैं होडोफोबिया। नेक्स्ट है दर्द का डर। दर्द का भी डर होता है, तो दर्द के फोबिया को हम इंग्लिश में कहते हैं एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया मतलब दर्द का डर, और यहाँ पर एल्गो जो है वो डिनोट करता है पेन को, और फोबिया तो आपको पता ही है फियर को डिनोट करता है। नेक्स्ट है भगवान का डर। भगवान के डर को हम इंग्लिश में कहते हैं थियोफोबिया। थियोफोबिया मतलब भगवान का डर, और यहाँ पर जो वर्ड थियो है वो डिनोट करता है गॉड को। नेक्स्ट है बदसूरती का डर। बदसूरती के डर को हम इंग्लिश में कहते हैं कैकोफोबिया। कैकोफोबिया मतलब बदसूरती का डर। नेक्स्ट है नींद का डर। नींद के डर को हम इंग्लिश में कहते हैं सोमनीफोबिया। सोमनीफोबिया मतलब नींद का डर।
और यहाँ पर जो वर्ड सोमनी है वो डिनोट करता है स्लीप को। नेक्स्ट है नंबर 13 का डर, मतलब फियर ऑफ नंबर 13। कुछ लोगों को क्या होता है, नंबर 13 का डर होता है क्योंकि वो समझते हैं ये अनलकी नंबर है। बाय द वे इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रिस्काइटेकाफोबिया। ट्रिस्काइटेकाफोबिया मतलब नंबर 13 का डर। नेक्स्ट है अनजान का डर या विदेशी से डर, इसका मतलब है फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स या फॉरिनर्स का डर, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ज़ेनोफोबिया। ज़ेनोफोबिया, ज़ेनो जो वर्ड है वो डिनोट करता है फॉरिनर को और स्ट्रेंजर को। नेक्स्ट है भीड़ का डर, मतलब फियर ऑफ क्राउड, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑक्लोफोबिया। ऑक्लोफोबिया मतलब भीड़ का डर। एंड द लास्ट वन इज बंद जगह का डर, बंद जगह से होने वाले डर को हम इंग्लिश में कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया मतलब बंद जगह का डर। ये दोनों आज के क्विज है, लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में इसके आंसर, और आपको कौन सा फोबिया है ये भी लिख के बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।